मैंने बोला भी था आपको, अभी फिर बोल रहा हूँ, मौसम बदल रहे हैं तो बच्चों का ध्यान रखें। अरे गाँव मेरे क्यों डाला, मेरा थोड़ी हो रही सर्दी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे करो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 या 9, और फिलहाल हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं। मैं भी तैयार हो चुका हूँ, मुझे कहीं जाना है, और यहाँ पर जो नेहा है वो भी कंप्लीट है, और युवंश थोड़ा ढीला ढीला लग रहा होगा क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है। कल भी दवाई वगैरह दी थी और आज भी दवाई देंगे इसे, है ना युवंश? दवाई खाना है ना? क्यों? ये बहुत जी चुराता है क्यों? दवाई खाने में, दवाई खाने के नाम पे तो है ना बस नाटक शुरू हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने बोला भी था आपको, अभी फिर बोल रहा हूँ, मौसम बदल रहे हैं तो बच्चों का ध्यान रखें। अभी युवंश को भी सर्दी जुकाम वगैरह हुआ है, और थोड़ा गर्म वगैरह भी हो रहा था, तो थोड़ा हल्का फुल्का फीवर भी लग रहा था, तो इसे फिलहाल दवाई तो दे दी थी, और कंटिन्यू हम लोग दवाई देंगे जब तक इसके थोड़े सर्दी जुकाम में आराम नहीं हो जाता। तो आप सब लोग भी ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, इस सुबह से करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि तो आपको तो पता है हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोस लाते रहते लाइक हैं। करो, प्लीज युवंश की बात मानो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत इस व्लॉग की, इस प्यारी सी सुबह की पहली किरण के साथ। कहाँ डालोगे नाक में? नहीं 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 मेरा थोड़ी हो रहा सर्दी जुकाम, तो आपकी हो रही है। लाओ आपके डाल लगा, लाओ ढक्कन दो, ढक्कन दो, जल्दी से आ जाओ, हेलो लगा। लो आपके डालो दवाई, नहीं नहीं डाल दो, डाल दे, डाल कहाँ डालेगा, डाल कहाँ डालोगे, मत खोलो, ऐसे डाल दो। अरे गाँव मेरे क्यों डाला, मेरा थोड़ी हो रही सर्दी आपके डाल लगा, आपके डाल लगा, अरे वो तो आपकी हो रही, मेरे थोड़ी हो रही बेटा, मेरे नहीं हो रही है, नहीं, नहीं। पापा के डाल दो, लो नहीं मेरा पापा ये नहीं डाल, मैं पापा के डालो, नहीं पापा की तो बेटा नहीं, मेरे पापा चाहिए, नहीं चाहिए मोबाइल, दे दो इधर, जल्दी को काम है मुझे, नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बन रही है चाय, और जो सुबह की चाय है वो पी के कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब बन रही है सेकंड टाइम की चाय। जी हाँ दोस्तों, सुबह जब हम उठते हैं, उठने के बाद ही चाय बन जाती है, उसके बाद फिर कंप्लीट वगैरह होकर फिर सेकंड बार हमारे घर पर चाय बनती है। तो वो वाली चाय है ये जो सेकंड बार बन रही है, पहली वाली सुबह ही बन चुकी थी, और अभी हो रहा है, समय हो रहे हैं 9:30 के बाद का। तो उसके बाद फिर वापस चाय, और चाय जब सेकंड बार की चाय हो जाती है उसी के बाद फिर खाना वगैरह की शुरुआत होती है। तो फिलहाल यहाँ पर अब शुरुआत हो चुकी है सब्जी की, तो आप देख सकते हैं कि तेल गर्म हो चुका है, जीरा डाल चुके हैं, और इसमें जो राई होती है वो राई डाल चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर सब्जी बनाई जा रही है, किस चीज़ की सब्जी बन रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो आप व्लॉग में हमारे साथ बने रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्याज हैं, जो बारीक कटे हुए प्याज हैं जिनको बारीक बारीक काट लिया था, फिलहाल अब वो प्याज डलने वाले हैं। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, उसमें हमने जीरा वगैरह तो ऐड कर ही दिया था, तो अब वो अच्छे तरीके से तड़क चुका है। उसके बाद इसमें हरी मिर्च और प्याज दोनों हम डाल चुके हैं, और अब इसको हल्का फुल्का चलाएँगे, क्योंकि जो प्याज है वो भी हल्के ब्राउन होने तक हम सेकेंगे, और जो मिर्ची हमने डाली है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। और इसके बाद फिर हमने जो टमाटर का पेस्ट रखा हुआ था बना के,
अब वो डाल दिया है। टमाटर को हमने बारीक टुकड़ों में नहीं काटा है, इसको अच्छे तरीके से आप मिक्सी वगैरह में किसी में भी आप मतलब पीस सकते हैं, तो एक घोल सा बन जाएगा, उस घोल का आप यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारी सब्जियों में भी होता है वो घोल का यूज। तो फिलहाल हमने इसमें टमाटर को बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से मतलब बिल्कुल ही घोल बनाकर उसका, और फिर उसको डाला है यहाँ पर। अब इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं। नमक से एक फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर आप आलू हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप जब उसको पकाते हैं और तेल गर्म होने के बाद में आपने सब चीज़ डालने के बाद में उसमें आलू डाल दिया है या कुछ भी डाल दिया है, तो आप उसमें नमक ऐड कर देंगे तो वो जल्दी से पक जाते हैं। नमक की एक ख़ास बात होती है। नमक के बाद इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, मिर्च मसाला हो गया, मिर्ची पाउडर जिसको हम बोलते हैं। तो आप मिर्ची जैसी यूज करना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, कम खाते हैं तो कम, वैसी यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अब मसाले को अच्छे तरीके से पका लेंगे, जो भी चीज़ें हमने डाली है वो चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाए और हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से पक जाए। फिलहाल यहाँ पर नेहा आटा लगा रही है, तो चलिए फटाफट जल्दी से आटा लगा लेते हैं, इसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है और इसमें हमने डाले हैं नमकीन, क्योंकि आज बन रही है नमकीन की सब्जी, जिसे राजस्थान में सेव भी बोला जाता है। सेव हर जगह बोला जाता होगा लेकिन राजस्थान में ज़्यादातर सेव का प्रयोग होता है और इसे नमकीन भी बोलते हैं, जो कि हर दुकान पर मिल जाते हैं आसानी से। तो फिलहाल वो नमकीन की सब्जी है और यहाँ पर अब नेहा ने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है, चपाती बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग गाय की एक रोटी बना लेते हैं, गाय की एक रोटी सेक लेते हैं। तो आप लोग बने रहें व्लॉग में, क्योंकि अभी व्लॉग में बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। तो फाइनली दोस्तों खाना बनकर तैयार हो चुका है, और क्या क्या बना है आपको बता देता हूँ। क्या क्या यहाँ पर हमने थाली में जमा लिया है मैंने खाने के लिए, तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी चपाती इसलिए है क्योंकि युवंश, नेहा और मैं खाने वाले हैं, तो ऊपर ही लेकर आ गए थे हम अपने रूम में। और यहाँ पर नमकीन है, पपड़ी नमकीन जिन्हें बोला जाता है। यहाँ पर अचार है केरी का, और ये बनाया था अभी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेव की सब्जी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मटकी से गमला तैयार कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इसको पत्थर की मदद से टाँच रहा हूँ। टाँचने का मतलब है कि इसे हल्के हल्के तरीके से फोड़ रहा हूँ मैं मटकी को, साइड ही साइड से, जो कि एक बिल्कुल बराबर लेवल पे मैं इसको कट कर लूँगा मटकी को, ताकि ये दो टुकड़ों में हो जाए जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये वाला जो टुकड़ा है नीचे का हिस्सा है, उसको मैंने अच्छे तरीके से घिस लिया था कि ये बराबर लेवल पर आ जाए और एकदम गोल सा बन जाए। और यहाँ पर नीचे मैंने छेद कर दिया है ताकि इसमें रोशनी वगैरह और जो हवा वगैरह है वो जाती रहे, और इसमें अच्छे तरीके से कलर वगैरह करेंगे वो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल ये तैयार हो चुके हैं और इसे थोड़ी सी देर के लिए हम लोग रख देंगे। हेलो, तो दोस्तों बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसे स्पेशल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म, मिलते हैं आप सभी से एक और नए ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे,
बाय बाय।